अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड फिश। और उसके लिए जो सबसे पहले हम तैयार करेंगे वो है बटर मिल्क। बटर मिल्क के लिए हमने एक गिलास दूध लिया है और उसमें हमने एक खाने का चम्मच सिरका डाल देना है और हमने इसको मिक्स कर दिया और हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। मीनवाइल हम एग तोड़ लेंगे। और जब हमारा बटर मिल्क रेडी हो जाएगा तो उसको भी हम इस एग में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसकी मैरिनेशन के लिए जो चीज़ चाहिए वो है 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च पीसी हुई और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक और हमें तकरीबन चाहिए ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और हमें ओरिगानो भी चाहिए, भी 1/2 टीस्पून और हमें थोड़ा सा चिकन पाउडर चाहिए तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब और हमें 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस चाहिए हाफ टी स्पून हमें चाहिए लहसुन का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हमें चाहिए अदरक का पाउडर और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए सफेद मिर्च पिसी हुई अब इस सब मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है लेमन जूस जस्ट टू मेक इट अ पेस्ट ताकि ये मैरिनेट अच्छा हो जाए इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 1/2 आवर तक और उसके बाद हम इसको फ्राइंग का इसका प्रोसेस शुरू कर देंगे। हमने इसको मैरिनेट कर लिया तकरीबन 1/2 घंटा और अब हम इसके फ्राइंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब जो हमारे पास मैदा है तकरीबन 1 कप है और उसमें हमने 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा तकरीबन 1/2 टीस्पून ऑफ ग्राउंड जिंजर डाल दिया और थोड़ा सा हमने इसमें डाल देना है चिकन पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब और हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर डालना है इसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून बस। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। जो ड्राइड इंग्रेडिएंट्स है अब हमने उसको भी मिक्स कर लिया है और हमारी फिश भी मैरिनेट हो चुकी है, रेडी हो गया और अब हमने इसको इसमें मिक्स कर देना। हमने बटर मिल्क बना लिया और उसको हमने एग में मिक्स कर लिया। अब हम इसके फ्राइंग का प्रोसीजर शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले बेबी फिश का पीस लेंगे और उसको हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स से कोट कर देंगे और बटर मिल्क में डिप करके
फिर वापस ड्राई इंग्रीडियंट्स लगाएंगे, उससे उसकी डबल कोटिंग हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फिश बनेंगे इंशाल्लाह। हम सब फिश के साथ कर लेंगे, उसको ड्राई इंग्रीडियंट्स लगा के उसको एक दफा बटर मिल्क में, फिर दोबारा ड्राई इंग्रीडियंट्स में। इसको हमने साथ ही ऑयल में डाल दिया और अब हम इसको दोनों साइड लाइट ब्राउन होने तक इसको हम कुक करेंगे। हम इसे साइड चेंज कर देंगे और इसको मजीद 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। एंड उसके देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है, लाइट ब्राउन सा, और इट विल बी सो क्रिस्प एंड टेंडर फ्रॉम इनसाइड। जी तो व्यूअर्स हमारी फ्राइड फिश हो गई है रेडी, अब हम बस इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स देखे कितनी क्रिस्पी, और अंदर से ये टेंडर होगी और बाहर से ये बहुत क्रिस्पी फिश होगी इंशाल्लाह। देखिए हमारी फिश फ्राई हो गई है रेडी और हम इसको एज अ स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं, हम इसको एक कंप्लीट मील के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, लाइक वी कैन मेक अ बर्गर और हम इसको डिप्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों और बड़ों सबको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी और ये बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखेंगे, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।